कैसे हो? कैसे बढ़िया बड़े भाई, बढ़िया। भाई कैसे बड़का हैं? जी, कैसे हो? बस बढ़िया लो भाई। जी, तो व्हाट्स दाई आए अप? हैं। ओ, उसको देखना। ओए मीनू, व्हाट्स अप? सो कुछ नहीं, दाई, आपने आपको काटेगा इसका भाई। आ नहीं, आपको इसका कलर तो बहुत सेम लग रहा है। आपको इसको मोटिव बिठाता हूँ। भाई चल बैठो। काटेगा, काटेगा तो नहीं, भाई, ये जो माइक आप देख रहे हो, मतलब कौन सा, इसका न्यू मॉडल कौन सा है? N97। न्यू मैन 87। ये अभी अगर आप गूगल पे देखोगे, मैं यहाँ लगा दूंगा ये कितने कितने एल का है, अभी दिख जाएगा ये आपको। सिर्फ इतना वन इज बोलो। अ प्रोफेशनल प्रोफेशनल स्टूडियो स्पेशली, एंड वहाँ पे रिकॉर्डिंग बूथ है, मतलब वो रिकॉर्डिंग बूथ। ए यो, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बिकॉज गाइज मेरे पास जो है मेरे एक बहुत खास गेस्ट आए हुए हैं, और आप सभी के चहेते हमारे कलमिंग भाई आए हुए हैं, स्पेशली देहरादून से। तो कुछ काम से वो चंडीगढ़ आए हुए हैं, तो मेरे पास ही भाई से मुलाकात हुई है, और भाई आए हुए हैं हमारे घर पे, तो अभी जो है उनसे मिलवाता हूँ। और आज वो मीमी और ड्रिल से और रूबी से मिलेंगे, और साथ ही साथ उनको मैं आज घुमाने वाले हैं। सो मेक श्योर ये ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, और जो कलमिंग भाई के हमारे फैंस हैं, जो उनको बहुत प्यार करते हैं, वो ये ब्लॉग पूरा देखना यार। थोड़ा हमें भी सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा लालच आ रहा है। ओके गाइस, तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। कैसे हो? कैसे बढ़िया बड़े भाई, बढ़िया। भाई कैसे बड़का हैं? जी, कैसे हो? बस बढ़िया लो भाई। जी, तो दाई आए व्हाट्स हैं। ओ, उसको देखना। अप? कुछ नहीं, ओली तो ये ओली। मीमी और ड्रिल जो है आ चुके हैं। तो भाई हमारे जो है बहुत कोर डॉग लवर है। आपके पास दो डॉग्स हैं, इफ आई एम हाँ, नॉट रॉन्ग, मेरे पे राइट? लैब्राडोर है 6-7 साल का, और एक टॉय पॉम है अभी सही 1.5 साल का। सही है। तो आपको हमारे अमेरिकन बुलीज से मिलके कैसा लगा भाई? दाई, मैं तो खुद सोच रहा हूँ इनको देखने के बाद ना कि ये हाँ मस्ट है। लाइक मेरे को लगता था बहुत एग्रेसिव होते हैं, हाँ बट ये बहुत फ्रेंडली है दाई। दही, पता क्या होता है ना, जब पिटबुल, और पिटबुल भी एग्रेसिव नहीं होता है, वो है कि पालना कैसे है, आपने परवरिश कैसी होती है? परवरिश कैसी होती है। वो भाग गए, देखो ओह, वो। आओ, तो अभी दाई को मिलवाते हैं हमारी रूबी से। रूबी, स्टेप अप, स्टेप अप, वेरी गुड बर्ड, गुड बर्डी। हेलो जी, दाई, आपने आपको काटेगा इसका भाई। आ नहीं, आपको इसका कलर तो बहुत सेम लग रहा है। आपको इसको मोटे पे बिठाता हूँ। भाई चल काटे बैठो। काटेगा तो नहीं, ऐसे अभी बारी है हमारी लंच खाने की। तो भाई आज बनाए हैं हमारे नवीन भाई ने चने चने, चने एंड चावल राइस। और अबे सब्जी। ओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, चलो, ज्यादा चालू नहीं बनने का। ये स्मार्ट बॉय। चलो अंदर अंदर चलो। भाई ड्रिप ड्रिप दिखाओ ना, चश्मे वाली। पहना फिर रहे दाई दाई लड़का। को भी स्पेशल थैंक्स चश्मे के लिए, वीडियो में बना के। तो गाइस, भाई जो है अभी एल्बम आ रही है भाई की 6 तारीख को, तो व्लॉग जब तक ओके, आएगा तब तक एल्बम आ चुकी एल्बम तो अभी होगी, जाएगा। और भाई कुछ शूट भी कर रहे हैं यहाँ पे। उसको देखो, देखो कहाँ चढ़ गया वो, ड्रेले शिव जी के भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। हाँ, मत्था टेक रहा उन्हें। रे चल भाई, चल चल, ये देख रहे हो गाइस, ये चलता है पूरे दिन मेरे घर में, ये शरारतें चलती है। फिर लोग कहते हैं साला करता क्या है। चलो भाई खाना खाते हैं। चलो दाई। A few moments later. ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं दाई को लेके आया हूँ हमारे रबाब म्यूजिक स्टूडियो में। सो अभी अंदर चलते हैं। बात सेक्सी लग रहा है ना, अभी अंदर का रिएक्शन भी देखते हैं। सो भाई, हाँ जी, वेलकम। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आपको दिखाते हैं अंदर और क्या क्या है। हाँ, तो भाई अभी हम भाई को लेके आए हैं रबाब। सो भाई ये है पेंट्री, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम रिसेप्शन है, और हाँ आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं एक बार। सो इधर हमारे भाइयों का ऑफिस है, अंदर बैठे हैं भाई साहब। हाँ जी सर, बिग फैन सर, बिग फैन। आ जाओ। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली जो रबाब म्यूजिक स्टूडियो है, नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट और भी स्टूडियो है, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे है डिजिटल म्यूजिक एंड 3D VFX स्टूडियो। दिस स्टूडियो स्पेशलाइज सारे A to Z, यहाँ VFX मूवीज का, स्पेशली बड़ी बड़ी मूवीज का सारा काम यहाँ पर हो रहा होता है। आपको और दिखाता हूँ, ये एडिटिंग रूम है इधर, यहाँ पे नो एंट्री है। कि गाय, आपने ऐसा कभी देखा है बॉम्बे वगैरह या कहीं पे भी ऐसा स्टूडियो नहीं देखा, राइट? आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये स्पेशली जो स्टूडियो है, ये दैट इज़ फॉर कलरिंग। आप अंदर, हाँ अंदर आ सकते हो आप, शूट थोड़ा, हाँ बस यहीं तक। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर कलरिंग, स्पेशली जब मूवीज की कलरिंग होती है, तो ये सारी की सारी यहाँ पे होती है। सही है ना, क्रेजी है ना, इतना बड़ा तो होम थिएटर होता है बंदों का। सही। सो दाई, मैं आपको लेके चलता हूँ मेन जो डबिंग स्टूडियो है। तो गाइज, आपने भी शायद, कई लोगों ने ऐसे डबिंग स्टूडियो, प्राइवेट होम स्टूडियोज तो हम देखते ही रहते हैं दाई। तो ये वैसे ये भी छोटे वाला है, एक बड़े वाला भी है। सो दिस क्रेजी। वन इज़ अ प्रोफेशनल प्रोफेशनल स्टूडियो स्पेशली, एंड वहाँ पे रिकॉर्डिंग बूथ है,
मतलब वो रिकॉर्डिंग बूथ हमारा पूरा स्टूडियो बन जाता है घर पे, अगर हम पर्सनली हम लोग अपनी बात करें ना, घर के जो हमारे होम स्टूडियो सेटअप है, बट ये प्रोफेशनल इस चीज़ के लिए जो यहाँ पे इंटरफेस या जो भी चीज़ें लगी हैं टॉप नॉच, आई मीन द माइक इज वर्थ लैक्स, मतलब वो वाला सीन हो जाता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो डब करते हैं लोग, रिकॉर्ड करते हैं म्यूज़िक स्पेशली, उनको फिर बाद में थोड़ा मिक्सिंग में दिक्कत नहीं आती, मिक्सिंग वो ऑलरेडी वो हमारे पास ही आ गए करके ही आते हैं, अभी वो आएंगे वो हमसे बात करेंगे लगता है। हाँ जी सर, बिग फैन सर। हेलो सर, नमस्कार। बिग फैन पाजी, बिग फैन हमारे फरीदे पाजी है, कलम पाजी। वाह क्या बात है। सो भाई, हमारे पाजी को अगर आपने पहले वाली वीडियो में नहीं देखा जो रबाब के हमने बनाई है, तो उसमें आप पहचान जाओगे परिंदर पाजी है। बहुत लेजेंडरी आदमी है भाई ये, आपको मैं बताऊंगा दाई, द हसल ही डिड, और आज जो चीज़ें कर रहे हैं पाजी, अमेजिंग। सो यार थोड़ा हमारे को पाजी को समझाओ ना यार, हमारे थोड़े सेटअप के बारे में, कौन सा माइक हम यूज़ करते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। सर हम करते हैं माइक न्यूमैन 87। वाओ, है ना, माइक है न्यूमैन 87, बाकी प्रीएम्स लगे हुए हैं। तो भाई का गाना यहाँ पर अभी हम सुन रहे थे। एक चीज नोटिस करने वाली है दाई, बहुत डिफरेंट जब हम गाड़ियों में सुनते हैं और जब हम यहाँ मॉनिटर्स पे सुनते हैं ना, कमियां तो नहीं दिख रही मुझे, तो मजा आ रहा था यार, हमें तो बहुत मजा आ रहा था सुनते हुए। सही, तो लोग आए, अभी मैं भाई को लेके आया हूँ, ये है रिकॉर्डिंग बूथ। ये बूथ तो मतलब इतना बड़ा है कि बेडरूम बन सकता है यहाँ पे मेरा तो स्पेशली। मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि कितने बढ़िया तरीके से जो है ना, जो स्पेस यूटिलाइजेशन की है पूरे स्टूडियो को प्लान करने के लिए, पूरे बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है गाइस। और मैं ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज हमारे कलम भाई जो है वो वैसे ही हमारे म्यूज़िक के आजकल मतलब छाए हुए हैं म्यूज़िक में, पूरे इंडियन हिप हॉप को पता है इनके बारे में, तो फिर मैं स्पेशली इसलिए थोड़ा म्यूज़िक ज़्यादा कवर कर रहा हूँ क्योंकि हमारी ऑडियंस कनेक्ट कर पाए इस करके स्पेशली। वाह, ये न्यूमैन का यही वाला है ना माइक भाई? ये जो माइक आप देख रहे हो, मतलब कौन सा इसका मॉडल कौन सा है? न्यूमैन 87। ये अभी अगर आप गूगल पे देखोगे, मैं यहाँ लगा दूंगा कितने कितने एल का है, अभी दिख जाएगा ये आपको। सो ये प्रोफेशनल माइक है, ये स्पेसिफिकली ये स्टूडियो जो स्पेशली अगर हम देख रहे हैं तो स्टूडियो फॉर रिकॉर्डिंग ओनली ना, या मूवीज की डबिंग होती है स्पेशली, जो बड़े बड़े पर्दों पे आप देखते हैं तो वहाँ इतनी डॉल्बी स्टूडियो में जब मिक्स होती है सारी सारा कुछ मिक्स होता है, तो तभी वो एक इफेक्ट बन पाता है बिकॉज इतने महंगे इक्विपमेंट यूज होते हैं, तभी एक हमारा को एक एक्सपीरियंस हो पाता है वो चीज़ का, है ना। बाकी आपको एक वो भी दिखाता हूँ यहाँ पे, वो फॉले है ना अपने पास, फॉले फॉले का भी एक कंसेप्ट है आपको, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। सो गाइज ये है फॉले। सो मैंने पहले वीडियो में भी हमने दिखाया, तो फॉले का भाई मैं आपको, अगर आपको वैसे पता हुआ है कॉन्सेप्ट क्या है, सो यहाँ पे जितनी भी मूवीज़ के अंदर चाहे वो चलने की आवाज़ है चाहे वो दौड़ने की आवाज़ है, सब यहाँ रिकॉर्ड होती है। जैसे सपोज वहाँ पे अलग अलग टाइप के, देखो यहाँ पे फ्लोर्स भी बने हुए हैं कि जैसे कोई टाइल पे चल रहा तो कैसी आवाज़ आएगी, कोई नीचे ईंटों पे चल रहा है कैसी आवाज़ आएगी, कोई मिट्टी पे चल रहा है कैसी आएगी। अलग अलग साइज़ के शेप के शूज़ हैं, हील्स भी हैं, वो देखो बूट भी, अगर किसी लड़की ने बूट पहना हुआ है तो वो बूट की आवाज़ कैसे निकाल लेगी, वो भी है ना। तो फॉले के एक अलग आर्टिस्ट होता है ना जो करते हैं सारी आवाज़, है ना भाई साहब, पूरा ये कैड़ा काम है भाई देख रहे हो इधर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जो अलग अलग आवाज़ें जनरेट कर सकती हैं सारा का सारा कुछ यहीं पे किट्ठा हो गया, चूड़ियाँ हाँ वो भी रखी होंगी, पायल सही। तो भाई अभी भाई को दिखाने वाले हैं हम डॉल्बी स्टूडियो भाई। भाई ये जो आप देख रहे हो ये है एक डॉल्बी स्टूडियो, तो यहाँ पे डॉल्बी मिक्सिंग ही होती है ना पाजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाजी को ज़्यादा पता है पाजी प्रोफेशनल है। सो यहाँ पे भी तो पाजी थोड़ा बता सकते हो कि डॉल्बी क्या मिक्सिंग क्या होती है, कुछ हमारे को आइडिया हो जाए हमारी ऑडियंस को भी यार। डॉल्बी मिक्सिंग जो भी आप थिएटर में OTT पे जो भी साउंड मूवीज जो आप देखते हो सारी चीजें यहाँ से प्रोसेस होके ईच एंड एवरी साउंड, वो डायलॉग है, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो किस जगह कैसे साउंड करेगा ऐसा कुछ जी, उसका लेवल, उसका टोन सेट करना, सारी चीजें वो यहाँ से प्रोसेस होके। सही है, देख रहे हो। और यहाँ पे हर एक तरीके से एक एक स्पीकर को सेट किया हुआ है फॉर द फील, है ना, क्योंकि आपको एग्जैक्ट उसके लिए आपके कान को बहुत तेज होना, पर्पस से ही सारा डिजाइन किया गया। वाह यार क्या बात है, पाजी तो आधी मूवीज यहाँ पे ही देख लेते हैं पहले रिलीज हो रहे थे सारी देख लेते हैं। सो भाई ये है सेलिब्रिटी रूम, मैं तो कभी कभी आ जाता हूँ मतलब सेलिब्रिटीज के साथ मैं
तो यार ये जो मतलब इंटीरियर भाई और ने किया ना, दैट्स वेरी अमेजिंग है ना. और ये वैसा लगता है ना दुबई आ गए, है ना. प्रॉपर सही. ओके गाइस, सो विद दैट करते हैं आज के ब्लॉग का एंड. वैसे तो बहुत छोटा ब्लॉग था कलम भाई के साथ, दिन हमारा बहुत लंबा था. अभी तो दिन शुरू हुआ है भाई. शुरू हुआ है. तो बाकी गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं कलम भाई के साथ देहरादून में जाके और स्पेशली उनके बच्चों के साथ वीडियो बनाऊँ ना, तो कलम भाई के कमेंट बॉक्स में, मतलब वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे, बट दो चार लिख दे रहा तो सुन भी लेंगे शायद तुम्हारी. देहरादून ऐसे कदम रखोगे ना, कॉल कर देना. वो बिना कॉल करे कदम भी नहीं रख पाऊंगा ना मैं. ओके गाइस, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में.